हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मैनोरेजिया मैनोरेजिया की जो मेडिकल टर्म है फॉर द कंडीशन ऑफ ए हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और हैवी मैंसोडियल ब्लीडिंग की जो हैवी ब्लीडिंग होता है हैवी मैंसोरियल पीरियड्स होते हैं तो उसका किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है और कौन से मेडिकेशंस कहे हम ट्रीटमेंट कहे सर्जरी करें वो प्रिफर की जाती है इन दिस मैनोरेजिया तो मैनोरेजिया के हिंदी में हम कहते हैं भारी मासिक चक्र तो इसका हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं ये हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर में कि कौन से हम मेडिकेशंस दे सकते हैं पेशेंट को फिर किस तरह से उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स पर्सुइंग द पीएचडी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स एंड आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मर ऑक्स ने अपने एक लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए एंड YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड की जिसको हम कहते हैं यूट्यूब सिल्वर बटन का जो हमें सम्मान नहीं मिला है और इसलिए आप सभी के हम बहुत ही आभारी है तो अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ यूज़ करिए फार्मर ऑक्स तो अभी डाउनलोड कर लीजिए फार्मर ऑक्स कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए आईफोन है, है तो ऐप स्टोर पर से एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मर ऑक्स तो शुरू कर दिए आज के लेक्चर में तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ मैनोरेजिया और व्हाट इज़ द मैनोरेजिया तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर जो हम मासिक चक्र जो कहते हैं वुमेन्स के अंदर तो वो एबनॉर्मल हो जाना और उसके कारण हैवी एंड प्रोलॉन्ग मैंसटोरियल ब्लीडिंग कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो नॉर्मल जो ब्लीडिंग होता है उसके कंपेयर में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होना और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी काफ़ी प्रोलॉन्ग होना मतलब कि काफ़ी दिन तक आपको जो है वो ब्लीडिंग होता है तो ये कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मैनोरेजिया तो मैनोरेजिया दैट मीन्स हैवी प्रोलोंग पीरियड्स इन सम केसेस ब्लीडिंग में भी सीवियर एंड डेली एक्टिविटीज़ बिकम इंटरेप्टेड कि उसके कारण जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि हैवी पीरियड्स तो है ही और साथ में उसके कारण एब्डोमिनल क्रैम्प भी रहते हैं पेन रहता है एब्डोमिनल uh, कैविटी के अंदर तो उसके कारण जो है वो डेली एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरेप्ट होती है और सीवियर uh, जो हम कहे ब्लीडिंग उससे डेली एक्टिविटी रूटीन लाइफ होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कि जब वो नॉर्मल होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता बट जब काफ़ी हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स रहते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल पीरियड साइकिल तो नॉर्मल पीरियड साइकिल को कंसिडर किया जाता है ट्वेंटी से लेकर थर्टी फाइव डेज के बीच में और एवरेज लॉस ऑफ ब्लड होता है अराउंड फिफ्टी एम अब समझो कि लेस देन ट्वेंटी फाइव एम जितना ब्लड लॉस होता है तो उसको लाइट पीरियड्स कहते हैं और मोर देन एटी एम जितना ब्लड लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं हेवी पीरियड्स नॉर्मल जो ब्लड जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मैंस्ट्रल साइकिल दैट इज क्रैनबेरी रेड इन कलर कि क्रैनबेरी रेड कलर का ब्लड लॉस और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी दो से लेकर सात दिन ऑफ नॉर्मल ब्लीडिंग एंड नो लार्ज क्लॉट कि जो क्लॉट निकलते हैं ब्लड के वो भी ज़्यादा लार्ज नहीं होते एवरेज होते हैं एंड पीरियड पेंस भी काफ़ी लाइट होता है ऑन फर्स्ट डे और टू विच डजेंट इम्पैक्ट योर डे तो ये है नॉर्मल कंडीशन और उसमें जो अभी मैंने बताया कि दो से सात दिन का ये समझो कि साइकिल नॉर्मल और ब्लड लॉस जो है वो अराउंड 25 से लेकर 50 एम जितना ब्लड लॉस नॉर्मल कंडीशन में बट मैनोरेजिया के अंदर क्या होता है मोर देन 80 एम ब्लड लॉस होता है और एक वीक से भी ज़्यादा दिन तक ये जो है वो मैंस्टरल साइकिल चलता है तो ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 एम एयर लॉन्ग लास्टिंग अराउंड सेवन डेज और मोर तो देट इज कंस्टिट्यूट एज अ तो कोजिस हमने सीखे थे पार्ट uh, वन के अंदर कि हार्मोन इम्बेलेंस के कारण होता है डाई फंक्शन ऑफ द उज यूटेराइन फाइब्रोड एंड पॉलिप्स जब डेवलप होते हैं एडिनोमायोसिस जब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस प्रेगनेंसी कॉम्प्लीकेशन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड मेडिकेशन एंड मेडिकल कंडीशंस तो ये सभी कोजेज़ एंड रिस्क फैक्टर को हमने डिटेल में सीखा था कि सभी के डिटेल डेफिनेशंस और उसका एक्सप्लेनेशन हमने पार्ट वन में ऑलरेडी सीखा है फिर डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस भी हमने पार्ट टू के अंदर सीखा कि किस तरह से हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं पैलविस वगैरह की तो पैल्विस एग्जामिनेशन जो हम कहते हैं या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिर ब्लड टेस्ट करते हैं हम पैप टेस्ट करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है अल्ट्रासाउंड किया जाता है सोनो हिस्टेरोग्राम एंड हिस्टेरोस्कोपी वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं अच्छे से डायग्नोसिस के लिए और डायग्नोसिस पर से हमें पता लगाना होता है द मेन कोज कि डायग्नोसिस हम क्यों करते हैं तो पता चलता है उससे रीजन एज वेल एज जो हम कहते हैं कि कोजिस कौन से कोजिस के कारण समझो कि किसी को मैनोरेजिया हो रहा है तो ये कोजिस पता चलेगा तो उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं फिर आगे ट्रीटमेंट बिकॉज साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे तो हम ट्रीटमेंट करते ही पर दूसरी ट्रीटमेंट होती है कोजिस के बेसिस पे तो कोजिस पे बेसिस पे ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी है रीज़न को जानना और रीज़न जानने के लिए ज़रूरी है अच्छे से डायग्नोस्टिक की करना तो ये हमने पार्ट टू में ऑलरेडी डिटेल में सीखे कि कौन से तरीके से ब्लड टेस्ट कर से हैं व्हाट इज़ एंडोमेट्रियल बायोप्सी व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सभी का लिंक मिल जाएगा कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे तो आज जो हमें डिटेल में जो सीखना है इसी टॉपिक के अंदर दैट इज़ द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट और किस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं तो जब किसी को मैनोरेजिया होता है तो ये कई बार काफ़ी हैवी ब्लड लॉस के कारण पेशेंट एनेमिक भी हो जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण मैनोरेजिया के कारण जो है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है वो कोमा में भी जा सकता है और उसके डेली लाइफस्टाइल या फिर एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट होता है तो ये सब ना हो और काफ़ी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए समझो कि हम शुरुआत से ही उसको अच्छे से ट्रीट कर लें तो पेशेंट की हम लाइफ भी बचा सकते हैं वी कैन सेव द पेशेंट एज वेल एज उसकी लाइफ जो है वो फिर से हम नॉर्मल कर सकते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ द आयन सप्लीमेंट्स तो हम कहते हैं कि फेरस एस्कॉर्बेट है फॉलिक एसिड है जिंक एंड विटामिन बी ट्वेल्व ये ऐसे मेडिकेशंस की जब आयरन की डेफिशेंसी हो, हो जाती है एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और साइनोकोबोलामस की जो विटामिन बी है उसकी डेफिशेंसी होती है तो वो ठीक कर देती है कि जिसके कारण पेशेंट जो है वो एनेमिक ना हो जाए बिकॉज एक बार एनेमिक हो जाएगा तो और कंडीशन ख़राब हो सकती है उसके लिए तो से ज़रूरी है कि जो ब्लड काउंट हम कहे या फिर एच बी जो कहे वो मेंटेन रखे उसके लिए हम आयन सप्लीमेंट्स जरूर से देंगे फिर नॉन स्टेड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कि समझिए कि कोई इन्फ्लामेशन है तो वो क्योर करके दे एज़ वेल एज जब पेन होता है तो वो ठीक करने के लिए ट्रेनेगजेमिक एसिड एक ऑप्शन है हमारे पास की जो एक एंटी फाइब्रीनोलाइटिक्स मेडिकेसन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल प्रोजेस्टेरॉन द हॉर्मोनल इंट्रा यूटेर डिवाइस की जिसको हम कहते हैं मीरेना जिसको हम कहते हैं मीरेना एक ऑप्शन है फिर कुछ सर्जरीज की बात करें हम कि यहाँ तक जो बात की हमने वो ये जो स्लाइड में आप देख रहे दर द डिवाइज एज वेल एज द पील्स पिल्स डिवाइज या फिर टैबलेट्स की हम बात करी और जो नेक्स्ट स्लाइड में जो ऑप्शन है हमारे पास दे दल आर द ऑप्शन ऑफ ए सर्जरी के जिसके अंदर यूटेराइन आर्ट्री इमोबिलाईजेशन जो हम कहते हैं वो उसके बाद डायलेसन एंड करेटिस जो कहा जाता है डी एन सी फोकस अल्ट्रासाउंड एबलेसन मायोमैक्टोमी एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंडोमेट्रियल रिसेक्शन एंड हिस्टेरॉक्टोमी तो ये सभी सर्जरीज के बारे में भी हम डिटेल में आपको ये वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयन सप्लीमेंट से सो इफ यू हैव ए एनीमिया एंड योर डॉक्टर में रिकमेंडेड दैट यू टेक द आयन सप्लीमेंट रेगुलरली कि अगर आपको मेनोरेजिया भी है और साथ में एनीमिया भी है मतलब कि एनेमिक हो चुका है पेशेंट के एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण और रेगुलरली उसके हैवी पीरियड्स रहते थे तो उसके कारण ऑब्वियसली ब्लड लॉस तो हो गए ही तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरी है उसका एच बी नॉर्मल करवाना बिकॉज़ डायरेक्टली आप सर्जरी पे जाओगे तो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज कि उस वक्त समझो कि पेशेंट एनेमिक होगा तो सर्जरीज भी कई बार फेल हो जाती है तो ज़रूरी है सबसे पहले तो ये एनेमिक कंडीशन को ट्रीट करना और उसका एच बी लेवल नॉर्मल लेना तो उसके लिए जो हम कहते हैं कि फेरस एस्कॉर्बेट का है फॉलिक एसिड का है जिंक विटामिन डी फल या फिर प्लेन आयन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ आयन सप्लीमेंट्स कि जो रेगुलरली पेशेंट को लेने चाहिए ऑन डेली बेसिस इफ योर आयन लेवल आर लो बट यू आर नॉट येट एनेमिक आयन और एच बी लेवल थोड़ा सा लो है बट अभी तक एनेमिक के रीजन में नहीं है तो यू मे बी स्टार्टेड ऑन आयन सप्लीमेंट्स रादर देन वेटिंग अंटिल यू बिकम एनेमिक तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वेट करें कि आप एनेमिक हो उसके बाद ही स्टार्ट करो ऐसा नहीं है कि जब आपका ये एच बी लेवल या फिर आयन का जो लेवल है वो बॉर्डर पे है तो भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कि जिससे आपका फिर से एच बी लेवल या फिर आयन लेवल जो है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाए और वो हो जाए नॉर्मल की रेंज में और उसके साथ जो दूसरे मेडिकेशन जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे मेनोरेजिया भी कर हो जाएगा और आप एनेमिक होने से भी बच जाएंगे और समझो कि एनेमिया है ऑलरेडी तो ये तो आपको मस्ट लेनी है यू मस्ट हैव टू टेक और आपको जरूर से ये खानी ही पड़ेगी टैबलेट्स कि जो आयन सप्लीमेंट्स बहुत ही जरूरी है इस टाइप की कंडीशन के अंदर जिसके अंदर ब्लड लॉस होने के कारण पेशेंट एनेमिक होता है एज वेल एज एच बी प्लस जो हम कहें कि विटामिन बी ट्वेल्व वगैरह लो हो जाता है तब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आईबोब्रोफेन नेप्रोक्सेन जैसे नॉन स्टेराडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कि जो क्या करते हेल्प टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है एज वेल एज एडेड बेनिफिट ऑफ रिलीविंग पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्लैम क्रैम्प्स कि जो पेनफुल मैं की जिसको हम कहते हैं डिसमेनोरिया तो वो भी साथों साथ ठीक हो जाता है नॉन स्टेर एंटी इन्फ्लैमेटरी ड्रग्स के कारण तो इसमें आप पेशेंट को नेप्रोक्सेन भी दे सकते हैं एज वेल एज आईबू तो वहाँ पे है ही फर्स्ट चॉइस फिर जाने आप ट्राइनेगजेमिक एसिड के बारे में ये समझना जरूरी है कि मैनोरेजिया के अंदर ट्रेनेक्जेमिक एसिड जो है वो क्यों दिया जाता है तो यहां पे समझिए आप कि ट्रेनेक्मिक एसिड जो है इट इज एंटी फाइब्रीनोलाइटिक एंटी फाइब्रीनोलाइटिक इन दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मैंटोरियल पीरियड्स ड्यूरिंग लिखा है उसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड ही ये मेडिकेशंस को पेशेंट को लेनी है मींस ये मेडिकेशन पेशेंट कब लेगा कि जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चालू है ऐसा नहीं कि जबकि जो आयनफॉलिक एसिड तो उस समय भी लेनी है कि जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स बंद है या फिर बट ये मेडिकेशंस जो है ट्रेनेगजमिक एसिड की जो हम बात करते हैं वो तभी लेनी कि जब पीरियड्स चालू होते हैं द ट्रेनेक्जेमिक एसिड इज वर्क बाय स्लोविंग द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड क्लोड्स ब्लड क्लोड्स की जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसको यह स्लोली कर देता है विच हेल्प टू प्रिवेंट प्रोलोंग ब्लीडिंग जो प्रोलोंग ब्लीडिंग जो होती थी उसको जो है वो स्टॉप करता है बाय स्लोविंग द ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लोट्स कि ब्लड क्लोट्स का जो ब्रेकडाउन जो है वो समझे कि स्लोली हो जाएगा तो प्रिवेंट हो जाएगा प्रोलॉन्ग ब्लड लॉस या फिर ब्लीडिंग एंड इट इज बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग्स ड्रग्सोलाइटिक्स सो कुछ लोग इसको हार्मोन समझते हैं बट ये कोई हॉर्मोन्स नहीं है इट इज नॉट ए हॉर्मोन बट इट इज ए मेडिकल केमिकल एजेंट ही है ट्रेगाम एसिड की जो एंटीनोफाइब्रटीफाइब्रीनोलाइटिक क्लास का मेडिकेशन है ओनली नीड्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द ब्लीडिंग ब्लीडिंग के टाइम के दौरान ही यह मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है उसके भी अवेलेबल है मार्केट में एज वेल एज उसका इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाया जाता है इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग फिर ऑप्शन है एक आपके पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का तो ये समझिए कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों देते हैं वॉट इज द रीजन ऑफ गिविंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आप ये जानते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल के पिल्स हैं बट ये बर्थ कंट्रोल के जो पिल्स हैं वो साथ साथ आपका हॉर्मोन का जो बैलेंस है हॉर्मोनल बैलेंस भी करते हैं कि जब आप इरेगुलर हार्मोनल बैलेंस हो जाता है तो उस वक्त ये जो पिल्स है वो अच्छे से आपके जो हार्मोन से उनको बैलेंस कर देती है और जिसके कारण जो है वो फिर से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाता है बिकॉज हमने एक रीज़न जाना था कि इरेगुलर हार्मोनल बैलेंस के कारण मेनोरेजिया जो है वो हो सकता है तो असाइड फ्रॉम प्रोवाइडिंग बर्थ कंट्रोल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन हेल्प टू रेगुलेट द मैंटोरियल साइकिल एंड रिड्यूस दफ़ एक्सेसिवर प्रोलॉन्ग मैं ब्लीडिंग तो उसकी जो डे वाइज हम पिल्स देखें तो टोटल ट्वेंटी एट पिल्स यहाँ पर दी जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डे बाई डे सेवन एट फिर फोर्टीन ट्वेंटी वन और यहाँ पे जो है वो एंड की यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड और ये जो सेवन टेबलेट्स से है वो स्पेशली रहती है आयनफॉलिक एसिड के जिससे ब्लड लॉस के कारण वुमेन्स के अंदर एनेमिक कंडीशन ना हो उनका जो एच बी लेवल है वो अच्छे से बना रहे इसके लिए ये भी पिल्स साथ में दी हुई होती है ये हॉर्मोनल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ

फेरस ह्यूमेनिटी इसलिए कि जब पेशेंट को आयन की डेफिशेंसी भी है तो उस वक्त ये जो है वो काफ़ी पावरफुल ट्रीटमेंट रहती है बॉथ ऑफ दिस हॉर्मोन्स आर नेचुरली फाउंड इन वुमेन्स बॉडी कि वुमेन्स के बॉडी के अंदर भी ये हॉर्मोन्स जो है वो आ, देखे जाते हैं तो ये मेडिकेशंस देने का रीज़न कि ये जो हॉर्मोनल पिल्स भी कह सकते उसको हम कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ ये हार्मोनल पिल्स बिकॉज उसके अंदर जो मेडिकेशन है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन तो ये एक आपको अच्छे से याद रखना है ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फिर जो एक ऑप्शन है वो है मिरेना मिरेना की जिसको हम कहते हैं हार्मोनल आयोडी एंड मिरेना इज ए हॉर्मोनल इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कि जो आई फॉर इंट्रा यू फॉर यूटेराइन एंड डी फॉर डिवाइस दैट कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल कि कॉन्ट्रासेप्स का एक टेक्निक ही है तो दिस डिवाइस इज टी सेप प्लास्टिक फ्रेम टी सेप की प्लास्टिक फ्रेम होती है दैट इंसर्टेड इन टू द यूटेरस वेयर इट रिलीज ए टाइप ऑफ हॉर्मोन कॉल अ प्रोजेस्टिन को वो वहां पे रिलीज करते समझो कि सिम्टम्स के बेसिस पे ही देने चाहिए कि जब हार्मोनल इम्बेलेंस ऐसा है कि जब प्रोजेस्टिन का लेवल कम है तो उस वक्त प्रोजेस्टिन को रेगुलरली रिलीज करवाने के लिए जो है वो आप मेरे ना यूज कर सकते हैं बराबर ये पॉइंट समझिए कि यहाँ पे इसके अंदर हार्मोन कौन सा है प्रोजेस्टिन तो जब आप हार्मोनल स्टडी करवाते हैं किसी वुमेंस की हॉर्मोनलैसे करवाते हैं पूरा डायग्नोसिस के अंदर और उससे जो आपको रीज़न पता चलता है उसके रिपोर्ट्स के थ्रू और हार्मोनल इम्बेलेंस का एक रीज़न आपको पता चलता है कि प्रोजेस्टिन का लेवल कम है तो उस वक्त आप पेशेंट को ये मेरे ना कि जो हम कहते हैं इंट्रा यूटर डिवाइस लगा सकते हैं बट समझे कि प्रोजेस्टिन की डेफिशेंसी नहीं है तो उस वक्त ये जो है वो यूज नहीं की जाती तो ये खास ध्यान रखना है हार्मोनल आयोडी के अंदर बिकॉज समझो कि हार्मोनल बैलेंस है। तो आप जब ये वाला गलती से भी दे देंगे तो उससे क्या होगा प्रोजेस्टिन और जो दूसरा हार्मोन जो हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि बॉथ ऑफ दिस हार्मोन्स आर नेचुरली फाउंड इन वुमेन्स बॉडी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का जो प्रॉपर बैलेंस बना होता है वो कई बार बिगड़ जाता है तो यह तभी देना है कि जब रीजन यह है कि प्रोजेस्टिन लो अमाउंट में है प्रोजेस्टिन का लेवल जो है वो रिड्यूस है और एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज है या फिर नॉर्मल लेवल पे है तो दोनों का बैलेंस करवाने के लिए आप प्रोजेस्टिन दे सकते हैं बट समझो कि ऑलरेडी हार्मोनल बैलेंस ही है तो उस वक्त हम प्रोजेस्टिन देकर हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं बिगाड़ सकते तो ये ध्यान रखना है इन द हॉर्मोनल आई दैट इज ए मिरेना तो यहाँ तक बात की हमने पिल्स एज वेल एज जो इंट्रा यूटरेंट डिवाइस की अब जो बात है वो है जो माइनर सर्जरीज या फिर जो मेजर सर्जरीज की जाती है ड्यूरिंग द मैनोरिज कि किसी को जो आगे जो हमने मेडिकेशन बात की उससे ठीक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन है ये सब माइनर सर्जरीज के तो ये जो लिखा है कि डायलेसन एंड करेटेज डी एंड सी लिखा है दैट मीन्स इन दिस प्रोसीजर योर डॉक्टर ओपन्स दैट मीन्स डायलेट द सर्विक्स तो ये देखिए सर्विक्स का ये जो पोर्शन है ये वाला रीज ये वाला जो सर्विक्स हम कहते हैं कि जहाँ पे वजाइना जो है वो एंड होती है कि वजाइना का ये जो एंड पोर्शन और आगे जो है वो पूरा वज़ाइनल रूट है तो वजाइनल रूट के थ्रू ही जो है ये माइनर्स जो सर्जरी जो करते हैं वो की जाती है और उसके अंदर क्या किया जाता है सबसे पहले तो डायलिट किया सर्विक्स एंड देन स्क्रैप्स और द टिश्यू फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस टू रिड्यूस द मैंटोरियल ब्लीडिंग तो हमने एक रीजन सीखा था यह समझिए कि रीजन एक ये था कि जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है यूटेरस के अंदर या फिर एक्सेसिव एक्सेसिव लेर्स ऑफ एंडोमेट्रियम या फिर जो यूटेराइन की जो लाइनिंग है वहां पे एक्सेसिव लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है तो ये एक्सेसिव लेयर्स के कारण क्या होगा कि जब लेयर्स ज्यादा होंगे तो उनका ब्रेकडाउन भी होगा और उसके कारण ज्यादा ये जो लेयर्स है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो समझो कि आप ये पहले से ही ये लेयर्स जो है वो कम कर देते हैं सर्जरी करके या फिर माइनर सर्जरी करके तो ये लेयर समझो कि आप रिड्यूस कर देंगे तो ब्लीडिंग भी पेशेंट को क्या होगा कम होगा तो इसी के लिए जो रीज़न जो बनता है कि एक्सेसिव ये लेयर्स के कारण समझो कि पेशेंट को मैनोरेजिया हो रहा है तो ये जो लाइनिंग होती है यूटेरन यर्स की के जो यूटेरस का जो रीज़न है और यहाँ पे जो उसके जो लाइनिंग्स में समझो कि एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम के लेयर्स तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं ऑल्दो दिस प्रोसीजर इज ए कॉमन एंड ओपन ऑफन ट्रीट्स एक्ूट और एक्टिव ब्लीडिंग सक्सेसफुली एंड यू मे नीड एडिशनल डी एन सी प्रोसीजर इफ़ मैनोरेजिया रीअकर्स अगर समझे कि ये ये करवाने के बाद भी फिर से मेनोरेजिया हो रहा है तो एडिशनल डी एंड सी के एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स भी आपको करवानी पड़ेगी स्टार्टिंग में समझो कि माइनर अमाउंट में रिमूव किया है और उससे क्यों और नहीं आता तो फिर सेकंड स्टेप में भी ये जो लाइनिंग से वो रिमूव की जा सकती है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है वहाँ से स्क्रैप करके उसको सक्शन कर दिया जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथेटर के थ्रू अंदर जो डिवाइस जो है वो इंसर्ट करते हैं वो डिवाइस ये यह, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे कि यहाँ पे ये यह जो डिवाइस है वो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर देती है स्क्रैप करती है साथ साथ उनको वो जो सी टिश्यूज़ होती है उसको सक्सन कर लेती है मतलब कि खींच लेती है बाहर की ओर और, और अंदर का जो पूरा पोर्शन है कि जो एक्सेसिव वहाँ पे ग्रोथ हुई है एंडोमेट्रियम के लेयर्स की उसको वहाँ से रिमूव कर देगा फिर जो ऑप्शन है दूसरा वो है इन आर्टरी एम्बोबिलाईजेशन तो एम्बोलाइजेशन में क्या होता है समझिए कि यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन तो यहां पे एक वर्ड समझना जरूरी है एम्बोलाइजेशन तो उसके अंदर क्या होता है कि वुमन हु एज ए मैनोरिज कोस बाय फाइब्रॉइड कि जो हमने सीखा था कि यूटेराइन फाइब्रॉइड या पॉलिप्स जब डेवलप होते हैं तो यहाँ पे देखिए यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे तो ये फाइब्रॉइड्स यहाँ पे है कि ये वाला एक फाइब्रॉइड है कि जहां पे मैंने येलो किया है और एक ये वाला फाइब्रॉइड द गोल ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू श्रिंक एनी फाइब्रॉइड इन द यूटेरस बाय ब्लॉकिंग द यूटेराइन आर्टरीज एंड कटिंग ऑफ देयर ब्लड सप्लाई तो अब एक सिंपल आप एक बात समझिए कि समझो कि आपने घर पे एक प्लांट लगाया हुआ है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ये प्लांट की ग्रोथ करने के लिए आप रेगुलरली उसके अंदर डालते हैं पानी कि जिसको हम कहते हैं वाटर कि रेगुलरली आप वाटर सप्लाई करेंगे तो ही वो प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा अगर उससे हम रिवर्स सोचें कि अगर अचानक आपको कहीं पर बाहर जाना हुआ है और कुछ दिनों के लिए ये वाटर सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है या फिर जो वाटर सप्लाई था वो आपने देना कम्प्लीटली बंद कर दिया तो वाटर ना मिलने के कारण ये जो प्लांट है वो कुछ दिन तक तो वो अपना सर्वाइवल कर लेगा बट जब प्रॉपर उसको वाटर के की डिमांड होगी तो ये जो प्लांट है उसका जो रिजर्व वाटर है वो अब यूज़ होगा और उसके कारण ये प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा तो जिसको हम कहते हैं श्रिंक कि उसके जो सेल है उसका श्रिंकिंग होगा सेल श्रिंक होंगे वो सेल जो है वो सिकुड़ने लगेंगे सूखने लगेंगे तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है कि यहाँ पे देखिए कि जिस जगह पे आपका फाइब्रॉइड्स बना है तो यह फाइब्रॉइड्स को जो पहुँचाने वाली जो ब्लड पहुँचाने वाली जो आर्टरी होती है ये जो फीमोरल आर्टरी है मेन और ये फीमोरल आर्टरी में से अब देखिए ब्लड सप्लाई जो है वो पहुंच रहा है यहाँ पे यूटेराइन की ओर कि फीमोरल आर्टरी की जो आगे ब्रांचेस बनती है वो एक पहुँचती है यूटेराइन ओर तो यूटेरस के अंदर ये जो यूटेराइन आर्टरी से वो आपके यूटेरस को प्रॉपर प्रोवाइड करती है ब्लड तो हम प्रॉपर सर्जरी करके कि जो एंजियोग्राफिक कैथेटर होता है उसको प्रॉपरली यूज़ करके हम ये वाले रीजन के कि मैं ब्लू कलर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो ये वाला जो है वो फाइब्रॉइड है तो ये फाइब्रॉइड के साथ अटैच ये वाली जो हम देख रहे हैं यूटेराइन आर्टरीज उसको समझो कि हम कर देते हैं कट कर देते हैं और उससे क्या होगा उनका जो ब्लड सप्लाई है वो अब मिलना बंद हो जाएगा तो समझो कि ये जो है कम्प्लीटली अब कट हो गई है मैं क्रॉस कर देता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कट कर दी है तो धीरे धीरे ये जो फाइब्रेट्स थे वो सूखने लगेंगे और फिर नॉर्मल जो है वो लेयर फिर से बन जाएगा के अंदर का जो लेयर जो नॉर्मल था कि फाइब्रेट्स जो है वो सिकुड़ जाएंगे सूख जाएंगे और फिर आगे जो है उनको आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं डीएनसी के द्वारा भी आप उनको रिमूव कर सकते हैं या फिर किसी और तरह से उनको आप सक्शन करके निकाल सकते हैं फिर दूसरा ऑप्शन है वो है फोकस अल्ट्रासाउंड एब्लेशन। तो समझो कि यहाँ पे फाइब्रॉइड डेवलप है पेशेंट के अंदर ये वाला जो है वो फाइब्रॉइड है ये है उसकी पेल्विक उसकी आर का ये टेबल है ये है आपके पास ट्रांसड्यूसर ये जो है वो पेशेंट यहां पे है और ये उसका पेल्विस का रीजन और ये जो है वो उसका फाइब्रॉइड की जो यूटेरस के अंदर है तो दिस मेथड इज सिमिलर टू यूरेट यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इन दिस फोकस अल्ट्रासाउंड एब्लेशन ट्रीट्स ब्लीडिंग कोज बाय फाइब्रॉइड्स बाय सरिंकिंग द फाइब्रोइ्स यहाँ पर भी फाइब्रोइ्स को सरिंकिंग ही किया जाता है बट यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे ट्रांसड्यूसर को यूज़ करके अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करेंगे हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड उसको कहा जाता है एच आई एफ यू और उससे हम डायरेक्टली ये जो अल्ट्रासाउंड फाइब्रॉयड के ऊपर टाइग्रेट करते हैं कि आप ये या जो फाइब्रॉयड है उसके ऊपर है ये अल्ट्रासाउंड जो है वो फोकस करता है और उनको क्या कर देता है डिस्ट्रॉय अल्ट्रासाउंड वेव्स टू डिस्ट्रॉय द फाइब्रॉइड टिश्यू तो ये फाइब्रॉइड टिश्यूज जो है वो अल्ट्रासाउंड से हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसको हम कहते हैं फोकस अल्ट्रासाउंड एब्लेशन या फिर हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड एच आई एफ यू देर आर नो इंसीजन्स रिक्वायर फॉर दिस प्रोसीजर यहाँ पे इंसीजन आपको नहीं करना पड़ेगा ना ही कोई कटिंग होगा ना ही कोई ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को डायरेक्टली जो अल्ट्रासाउंड से उसको जो है वो डायरेक्टली हम टारगेट करेंगे फाइब्रड्स पे और ये अल्ट्रासाउंड ही उसको जो है वो सरिंकिंग करेंगे फिर जो ऑप्शन है वो है मायोक्टेमी मायोमैक्टोमी तो मायोमेक्टोमी का मतलब क्या है तो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कि एंडोमेट्रियम uh, और मायोमेट्रियम्स के जो लेयर्स कहते हैं हम यूटेरस के अंदर तो वहाँ पे जब ये फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं और ये फिर फाइब्रॉइड्स आगे जाके कैंसर के भी रीज़न बनते हैं तो जरूरी है कि मैनोरेजिया के ट्रीटमेंट के करने के वक्त उसको अच्छे से रिमूव कर दिया जाए तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे देखिए कि ये जो वजाइना का पोर्सन फिर ये यूटेरस और ये जो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैं जो येलो कर रहा हूँ दैट और ऑल द फाइब्रॉइड्स तो विथ एबडोमिनल एंड लैप्रोस्कोपिक मायोमैक्टोमी फाइब्रॉइड्स आर रिमूव थ्रू एब्डोमिनल इंसीजन्स कि एब्डोमिनल्स के पोर्शन से जो इंसिजन करके डायरेक्टली ये जो फाइब्रोइ्स से उनको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाएगा और विथ हिस्टेरोस्कोपी फाइब्रोइ्स आर रिमूव थ्रू द वजाइना आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली एब्डोमिनल इंसिजन लगा के भी उसको रिमूव कर सकते हैं और दूसरे आप जो है वजाइना के थ्रू जो हिस्टेरोस्कोपी है उसको हिस्टेरोस्कोप को यूज़ करके उसको इंसर्ट करके फिर आप जो है वो सर्जरी कर सकते हैं तो ये है डिपेंडिंग ऑन द साइज कि ये जो पॉइंट लिखा है वो खास समझिए कि डिपेंडिंग ऑन द साइज कि कितनी साइज़ का है नंबर एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड सर्जन में चूज टू परफॉर्म मायोमेक्टोमी यूजिंग ओपन एब्डोमिनल सर्जरी थ्रू सिवरल स्मॉल इंसिजंस कि छोटे जो स्मॉल इंसिजंस किए जाते हैं एब्डोमिनल के थ्रू उससे करें कि जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिकली कि जो टेक्निक को क्या कहा जाता है हम लेप्रोस्कोपी और दूसरे जो वजाइनल टेक्निक है कि थ्रू वजाइना एंड सर्विक्स की जिसको हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपिकली तो जब हिस्टेरोस्कोपिकली की जब आप वजाइना या फिर वजाइनल रूट के थ्रू कैथेटर या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके वो फाइब्रोड्स रिमूव करते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी करें तो ये डिपेंड करता है कि कितनी साइज़ है काफ़ी ज़्यादा साइज के हैं नंबरिंग भी ज़्यादा है तो आप जो है वो पेशेंट को जिस तरह से सूटेबल हो या फिर सर्जन को जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग टू वो कर सकते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट तो ये मायोमेक्टोमी कि यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव किए जाते हैं यूटेराइन फाइब्रोट्स की यहाँ पे श्रिंक करने की बात नहीं है उनको सुखाने की बात नहीं की जाती यहाँ पे एज इट इज जो कंडीशन में है वही कंडीशन में उनको वहां से रिमूव करवाना थ्रू सर्जरी दैट इज द मायोमेक्टोमी फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन क्या है तो यूजिंग ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूजिंग ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स डॉक्टर परमानेंटली डिस्ट्रॉय परमानेंटली डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ यूटेरस कि जो है एंडोमेट्रियम अब समझो कि आप एंडोमेट्रियम ही नहीं होगा तो ना ही वहाँ पे जो है वो मैंसोरियल पीरियड्स होंगे और ना ही मैंसुरल पीरियड्स होंगे तो आगे जाके जो है वो काफ़ी लाइट पीरियड्स हो जाएंगे या फिर काफ़ी उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस है जिसको हम कह सकते हैं लाइटर पीरियड्स कि जो काफ़ी हैवी पीरियड्स थे उसके जगह है लाइटर पीरियड्स बिकॉज आप परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइनिंग ऑफ यूटेरस या फिर उसको पार्सियली रिमूव करते हैं तो आफ्टर एंडोमेट्रियल एबलेसन मोस्ट हैव ए मच लाइटर पीरियड्स मच लाइटर या फिर जब कोई ऐसी है कि अब रिप्रोडक्टिव एज नहीं रही या फिर उसके नज़दीक है मैनोपोज के तो उस वक्त आपके पीरियड्स भी काफ़ी लाइट हो गया फिर कंप्लीटली बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए माइक्रोवेव्स या फिर ऐसे डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं कि जो डिस्ट्रॉय करती है एंडोमेट्रियम क्योंकि हीट इज़ अप्लाई बाय माइक्रोवेव्स दे डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियम और जो एंडोमेट्रियम के लेयर्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं उसको फिर सेक्शन करके उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है कंट्रोल बॉक्स एंड मॉनिटर भी होता है कि जिससे आपको प्रॉपर पता भी चलता है इवन आगे समझो कि टाइनी कैमरा लगा हुआ है तो वो उसके पिक्चर्स भी आपको डायरेक्टली मॉनिटर के ऊपर देखने को मिलती है और ये वजाइनल रूट से ही किया जाता है वजाइनली ही ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंसर्ट किया जाता है यूटेरस के अंदर तो इसके प्रोब जो हम कहे सर्विक्स का रीजन और यहाँ पे ये जो है उसको यहाँ पे इस दर से देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोवेव्स है वो ये लाइनिंग के ऊपर जो है वो अपना हीट अप्लाई कर रहे कि जो हीट अप्लाई होती है यहाँ पे इस जगह पे और ये जो है वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग्स तो ये जो लाइनिंग्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये है एंडोमेट्रियल मेटेरियल एबलेसन फिर एंडोमेट्रियल रिसेक्शन तो दिस सर्जिकल प्रोसीजर इलेक्ट्रो सर्जिकल वायर लूप कि जैसे हमने प्रीवियसली देखा एब्लेशन के अंदर सेम लाइक दैट यहां पे भी कंट्रोल बॉक्स है और ये जो डिवाइस है वो वजाइना के थ्रू यहाँ पे एंटर की जाती है हीटर रेस फ्लूड टेम्परेचर यूटेरस एंडोमेट्रियल लाइनिंग और फ्लूड फील्ड बलून तो ये क्या करता है यूजिंग ए सीरेंज फ्लूड इज इंजेक्टेड थ्रू ए कैथेटर, इनफ्लेटिंग द बलून्स। और फिर जो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है उसके कारण जो इनर लाइनिंग्स जो है वो हम रिमूव कर देंगे जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोसर्जिकल वायर लूप बहुत एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंड एंडोमेट्रियल रिसेक्सन बेनिफिट्स द वुमन हु हैव वेरी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिनको काफ़ी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है और उसके रीज़न ये है कि एंडोमेट्रियम्स के लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बने हैं तो ये लेयर ही समझो कि आप रिमूव कर देते हैं तो उससे जो है वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं तो प्रेगनेंसी इज एन रिकमेंडेड आफ्टर दिस प्रोसीजर कि ये प्रोसीजर के बाद आपको जो है वो कुछ टाइम रेस्ट करना होता है और जब कम्प्लीटली आपका साइकिल नॉर्मल हो जाए फिर जो आपके गाइनकोलॉजिस्ट से अच्छे से आपका यूटेरस का भी एग्जामिन कर ले कि अब प्रॉपर लाइनिंग भी नॉर्मल हो चुकी है वहाँ पे कोई अब इंजरी जैसा नहीं है कोई डैमेज नहीं है तो ही फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते तब आप जो है वो प्रेगनेंसी वो नहीं रख सकते तो यह खास ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो सर्जरी के बाद प्रॉपर एडवाइस के साथ ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है फिर एक ऑप्शन है हिस्टेरोक्टोमी। तो हिस्टेरोक्टोमी दैट मींस सर्जरी टू रिमूव योर यूटेरस एंड सर्विक्स। अब ये ऐसी सर्जरी के हम यूटेरस से निकाल देते हैं तो उसके तीन ऑप्शन है एक ही आपका पार्शियल हिस्टेर कि जिसके अंदर टू थर्ड ऑफ द यूटेरस विल बी रिमूव कि जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिखाया है कि सबसे पहले मैं यहां पे जो कर रहा हूं कि इतना पोर्शन कि जो हम कहे कि टू थर्ड ये वाला जो पोर्शन कि जो हम कह सकते हैं टू थर्ड ऑफ टू थर्ड ऑफ यूटेरस टू थर्ड ऑफ द यूटेरस इतना ही रिमूव करते हैं दैट इज द फर्स्ट वन पार्सियल हिस्टेरॉक्टोमी सेकेंड हेव जो है टोटल हिस्टेरॉक्टोमी रिमूवस यूटेरस एंड सारिक्स तब यहां से हम और बाहर निकलेंगे तो इतना पोर्सन कि फेलोपियन ट्यूब को छोड़कर हम यहां पर रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली यूटेरस हंड्रेड परसेंट रिमूव हो गया एज वेल एज ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्सन है कि जिसको हम कहते हैं सैरविक्स उसको भी निकाल देंगे तो यूटेरस और सैरविक्स दोनों निकलते हैं टोटल हाइपर हिस्टेरेक्टोमी के अंदर और तीसरा है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कि जब काफ़ी सीवियर केसेस होती है उसी के अंदर कि जिस यहाँ पे रिमूव करते हैं यूटेरस सर्विक्स और वज़ाइना या फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब्स के जो रीजन है ये इतना रीजन पूरा रिमूव कर दिया जाता है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी के अंदर तो इज ए परमानेंट प्रोसीजर दैट कोजेस स्टरिलिटी एंड एंड्स द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अब समझो कि ये ऑपरेशन कर दिया जाता है तो उसके कारण एंड हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बिकॉज यूटेरस ही नहीं है यूटेर के जो तो उसके लाइनिंग्स भी नहीं होगी एंडोमेट्रियम भी नहीं होगा और एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो ना ही मैंस्ट्रियल साइकिल अवेलेबल होगा बिकॉज मैंस्ट्रियल साइकिल का जो आ, हम कहे कि फॉर्मेशन ही इसलिए है कि वहाँ पे यूटेरस के अंदर कि जो हम कहते हैं गरबा से है, तो वहाँ पर जो लाइनिंग्स बने और समझो कि प्रेगनेंसी रोती है तो वो जो लाइनिंग होती है वह बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्शन देती है तो अब समझो कि आपने यूटेरस से निकाल दिया है तो ये जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाएंगे इन दैट लीड्स टू द स्टेरिलिटी हिस्टेडोमिटीज परफॉर्म अंडर एनेस्थेसिया एंड रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है एनेस्थेसिया के साथ उसकी सर्जरी की जाती है और उसके बाद भी उसको कुछ दिनों के लिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंदर रखा जाता है एडिशनल रिमूवल ऑफ ओवेरिस जिसको ऑफ ऑफोरेक्टोमी uh, कहते हैं मेकोस प्री मेच्योर कि जो प्री मेच्योर करते हैं या फिर जो हम इंड्यूस करवाते हैं मैनोपोज या फिर एंड करवा देते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तो ये रहती है हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी की यूजअली यहाँ पे जब है ऐसी सीवियर कंडीशन हो तो ही फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स निकालते हैं यूजुअली पार्सल हिस्टेरेक्टोमी से भी ये जो है वो कंडीशन ठीक हो जाती है तो ये था डिटेल हमारा वीडियो लेक्चर ऑन मैनू की जिसकी हमने ट्रीटमेंट देखी मेडिकेशन एज वेल एज सर्जरी के साथ सो थैंक फॉर वॉचिंग जरूर से लाइक करिए कॉमेंट्स करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये वाले व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से फार्मारॉक्स के अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो डाउनलोड करिए तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल फॉर जीपैट नाइपर डी आई एंड फार्मासिस्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर आल्सो अवेलेबल सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट